चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस न्यूज के प्रायोजक है केयर डायग्नोस्टिक सेंटर अल बाकिर कॉम्प्लेक्स जिला चिकित्सालय के सामने सलूमर। चलाओ आप, मैं बैठ जाता हूँ पीछे। सभी नगरवासियों को भारतीय नववर्ष की आगामी भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं। 22 मार्च को नववर्ष समिति की ओर से, सभी सनातनी समाज की ओर से भारतीय नववर्ष के कार्यक्रम का आयोजन है। उसके अंदर आप सभी दिन में दोपहर 3 बजे चार बुजाजी ट्रस्ट से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में सभी सनातनी समाज के बंधु पधारकर इस कार्यक्रम को सफल बनावे, ऐसा आप सभी से आग्रह है। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। माता की वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय। सलूमबर नगर में 22 मार्च को भारतीय नववर्ष का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज पूरे नगर में लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी माताओं बहनों द्वारा रंगोली बनाई जा रही है और सलूमबर में बहुत ही हर्षोल्लास का वातावरण है। और मैं आम जनता से, सलूमबर क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि भारतीय नववर्ष को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएं। हमारी जो संस्कृति है, सांस्कृतिक जो विरासत है, उसको सहेज के रखें और भारतीय नववर्ष जो कि सभी तीर्थ त्योहारों का मूल है, उस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाएं। आओ हम सभी मिलकर एक अखंड भारत की कल्पना को साकार करें और भारत को एक नया स्वरूप प्रदान करें। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।
लोगों से मिलकर ऐसा लगता ही नहीं कि मैं यहाँ 2 साल पहले आई हूँ। इस तरह का उत्साह, प्यार और हर त्यौहार को लेकर जो उमंग मैंने यहाँ महसूस की है, शायद भारत के किसी राज्य, किसी देश में मैंने महसूस किया। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम नित्या नेभानी है। यहाँ पर हम सब जने मिलकर सब जगह रंगोली बना रहे हैं। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपसे बस यही आशा है कि आप सब जुलूस में सम्मिलित होए और स्वच्छता का ध्यान रखें और सहयोग दें। माता की वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे सलूम्बर नगर के अंदर माताओं बहनों के द्वारा 3 किलोमीटर लंबी रंगोली दिन रात मेहनत करके बनाई जा रही है और बहुत उत्साह है बच्चियों में, भाइयों में और युवा साथियों के अंदर। बहुत उत्साह है। नववर्ष का आयोजन बहुत भव्य तरीके से मनाया जाएगा। 22 मार्च को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन होगा, तो आयोजन में सभी को भाग लेने पड़ करके ये टीप जहाँ भी पहुँच रही है इस समाचार को सुन के सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि 22 मार्च को सलूम्बर में पधारे और कलश यात्रा में माताओं बहनों को लावे और स्वयं भी हिंदू संस्कृति की वेशभूषा पहन करके इस यात्रा में शामिल हुए। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। कामनाएं सभी को अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस उत्सव को, हिंदू नव वर्ष की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी की उपस्थिति यहां अनिवार्य है। जय श्री राम। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और 22 तारीख को जो एक विशाल शोभा यात्रा निकली सलूम्बर में, उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनावे। जय श्री राम। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को आना है।
नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। नव वर्ष 2080 की तैयारी के लिए सभी जने हर्षोल्लास के साथ बहुत ही मन से और तन से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और सभी जने रंगोली बना रहे अलग अलग कलर से। डोली नंबर 9 को मिला है दीपावली अलंकार से वहाँ से बड़े गणपति तक बनाने का और सभी महिलाएं अपने पूरे मन से 2 दिन से लगी हुई है और इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करके और रंगोली चल रही है। अभी तक थोड़ा बहुत काम बाकी है, व्यवस्थित कर दिया है और सभी को इस नव वर्ष को मतलब बच्चों को भी ये याद रहे कि भारतीय नव वर्ष बैठ रहा है 2080। इसे सभी महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी जो इसमें बहुत भागीदारी से कार्य कर रहे हैं और इसी तरह से प्रतिवर्ष ये तैयारी चलती रहे और भारतीय नव वर्ष को धूमधाम से मनाया जाए। भारतीय सब वर्ष के लिए नव वर्ष के लिए रंगोलियां बनाई जा रही है जिसके लिए स्वागत की 2 महिलाएं बनाई हैं जो जुलूस का स्वागत करेंगी पुष्प और रंगों द्वारा। इस रंगोली से यही दर्शा रहे एकता प्रदर्शित कर रही है पूरे सलूम्बर में और ये जैन समाज द्वारा बनाई जा रही है।
डायग्नोस्टिक सेंटर पर सभी प्रकार की सोनोग्राफी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा की जाती है, जिसमें 3D, 4D, कलर डोपलर, फीटल एनोमली स्कैन व सभी प्रकार की खून की जांचें, डिजिटल एक्सरे विथ रिपोर्टिंग ECG की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें केयर डायग्नोस्टिक सेंटर, अल बाकीर कॉम्प्लेक्स, जिला चिकित्सालय के सामने, सलूमबर। मोबाइल नंबर 9414737586 पर संपर्क करें।